हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं ओम श्लोक का प्रैक्टिकल दोबारा से हिंदी में करने जा रहा हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आई हुई थी, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप डायरेक्टली ये एक्सपेरिमेंट देखने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट तो नहीं लेकिन वो जो सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज़ किए हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है उसमें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखिए, आप देख लीजिए। और ओम श्लोक सेटअप का जो सर्किट डायग्राम जो आप देख रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कनेक्शन समझाता हूं। तो ठीक है दोस्तों, आपने कनेक्शन देखा हुआ है। ये है हमारी मेन बैटरी जो कि एसी पावर सोर्स से कनेक्टेड है, और ये जो एसी है उसको मैं 240 जो 220 वोल्ट होता है उसको मैं 8 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। यह है 2 वोल्ट 4 6 8 10 12, तो यहाँ पे मुझे 8 वोल्ट का आउटपुट आ रहा है। अब जो फर्स्ट कनेक्शन है वो आप देख लीजिए, उसको मैं पॉजिटिव को वोल्ट मीटर में दे रहा हूँ, और सॉरी ए मीटर में दे रहा हूँ, तो जो बैटरी का पॉजिटिव है वो डायरेक्ट ए मीटर में जा रहा है। ए मीटर का नेगेटिव है रेजिस्टेंस में जा रहा है, अननोन रेजिस्टेंस है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, और जो दूसरा नॉब है रेजिस्टेंस का वो रियोस्टेट में जा रहा है। रियोस्टेट का दूसरा एंड की में जा रहा है, की का जो लास्ट एंड है वो वापस बैटरी के नेगेटिव में आ रहा है। तो इस हिसाब से सर्किट की हुई है, देख लीजिए आप। थोड़े वायर लंबे हैं इसलिए मैंने उसको मोड़ के रखा हुआ है। तो ये देखिए कि हमेशा पैरेलल कनेक्शन यहाँ रहता है, और रेजिस्टेंस के साथ ए मीटर का सीरीज कनेक्शन देखते हैं हम। तो अब हम मेन फोकस हमारा ए मीटर और वोल्ट मीटर में रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग्स है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 वोल्ट्स है। यहाँ पे 0, 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.6, 0.8, मैक्सिमम 1 एम्पियर तक ये मेजर कर सकता है। तो अब मैं रियोस्टेट का एक रेजिस्टेंस फिक्स कर दूंगा, उसके बाद मैं रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज करके आपको रीडिंग्स दिखाऊंगा। तो आइए देख दोस्तों, एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, और बैटरी मैं ऑन कर रहा हूं और मैं आपको रीडिंग्स दिखाऊंगा, उसके बाद मैं रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस है उसको मैं चेंज कर लूँगा। तो दोस्तों यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो मैं ऐसे चेंज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि रियोस्टेट जो करंट जो जा रहा है बैटरी में से, जो करंट जाएगा वो बैटरी के पॉजिटिव में से निकलेगा, ए मीटर में जाएगा, ए मीटर से होता हुआ रेजिस्टेंस में, उसके बाद रियोस्टेट से की से होता हुआ निकल जाएगा। कोई भी करंट यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जो पूरा करंट जो इसमें से फ्लो होगा वो करंट यहाँ मेजर हो जाएगा, और जो करंट हमारे रेजिस्टेंस में से जा रहा है वो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी रीडिंग यहाँ पे 2 वोल्ट्स है, रीडिंग जो है यहाँ पे 2 वोल्ट्स है, और यहाँ पे रीडिंग है 0.4 एम्पियर्स। तो मैं उसको नोट करता जाऊँगा, तो मैंने देखिए ये टेबल भी बना रखा है वोल्टेज वर्सेस करंट का। तो वोल्टेज है हमारा 2 वोल्ट्स, यहाँ पे जो करंट है वो 0.4 एम्पियर्स। तो देखिए दोस्तों, ये इसको मैंने नोट कर लिया है, और अब मैं रेजिस्टेंस को डिक्रीज करूँगा क्योंकि अभी जो करंट पास हो रहा है वो बहुत सारे टर्न्स में से पास होता हुआ निकल रहा है, लेकिन जैसे ही इसको मैं ऐसे करूंगा तो जो करंट है वो कम टर्न से गुजरेगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम होते ही जो बैटरी में से करंट निकल रहा है वो बढ़ जाएगा। आप इसको देखिए, जैसे मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा मतलब रेजिस्टेंस इसका कम होगा और ये करंट बढ़ जाएगा, देखिए, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो इससे सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इसको चेंज करके मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है उसको मैं नोट कर लूँगा। तो अभी जो मुझे प्रीवियसली रीडिंग मिली थी 2 और 0.4 वो मैंने नोट कर ली है। अभी मैं रेजिस्टेंस इसको थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है,
और ये करंट भी इंक्रीज हो रहा है, प्रोपोर्शनल बिहेवियर आप देख सकते हैं, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। तो मैं रीडिंग नोट कर रहा हूं, 3 वोल्ट और 0.6 एम्पियर। अब मैं वापस से इसको डिक्रीज करूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 4 और 0.8 पे आ चुका है, 4 वोल्ट्स 0.8 एम्पियर्स। अब सही है, 4 वोल्ट और 0.8 एम्पियर्स। और अब जो फाइनल रीडिंग है वो 5 वोल्ट और 1 एम्पियर की आ रही है। अब हम जानते हैं कि जो यहाँ से जो करंट फ्लो होता है वो मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये 8 वोल्ट है तो मुझे 8 वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए, वो गलत है, क्योंकि ये दो हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। तो अगर मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है तो बाकी का जो 3 वोल्ट है वो मुझे इसके अक्रॉस मिलेगा, जो हमें नहीं देखना है। तो हमें V और I की जो रीडिंग है थ्रू द रेजिस्टर्स देखनी है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने सारी रीडिंग्स जो है वो नोट कर ली है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं वोल्टेज को डबल कर रहा हूँ 2 to 4, करंट भी डबल हो रहा है, मतलब रिलेशनशिप बहुत क्लियर है। और आइए अब हम इसकी जो वैल्यू है निकाल लेते हैं। तो मुझे सिंपली जो दोस्तों करंट की जो वैल्यू निकालनी है वो बहुत आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो वोल्टेज, जो हमारा लॉ है ओम्स लॉ, वो होता है V इज इक्वल टू I इंटू R। तो हर जगह मुझे वोल्टेज पता है और करंट पता है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँगा तो मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा वो मुझे 5 ओम्स आ रहा है, यहाँ से ये डिवाइडेड बाई ये भी 5 ओम्स आ रहा है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत ही एक्यूरेट रहा है दोस्तों, और मुझे ओवरऑल जो रेजिस्टेंस मिला है वो 5 ओम मिला है। एक्चुअली मैंने ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दिखाई नहीं थी, क्योंकि वही तो हमारा एक्सपेरिमेंट है। आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस 5 ओम ही है। तो होपफुली दोस्तों पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और मैं अपने सारे हिंदी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी ब्रिलियंट आइडियाज़ देते रहते हैं। थैंक यू।